हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टोरी री सुनाऊंगी, काली माता और रघुबीर की। मैंने ये इंग्लिश में भी की है, बट आज मैं हिंदी में आपको बताऊंगी। एक राक्षस था, उसका नाम था रक्तबीज। उसने ब्रह्मा देव से प्रार्थना की, जहाँ जहाँ मेरी रक्त की बूंद गिरे, वहाँ वहाँ एक एक रक्त बीज पैदा हो जाए है। और उन्होंने वरदान देते हुए तथास्तु कहा। फिर उसने कहा कि जो देवता हैं, जो चाहते हैं मुझसे युद्ध करें, तो युद्ध करो। अगर और युद्ध नहीं करना तो कहीं मुंह छुपा के छुप जाओ। तो देवताओं को परेशान देके देवर्षि नारद प्रकट हुए। और फिर उन सबने कहा, तुम्हें दुर्गा माता की प्रे करनी चाहिए। फिर उन्होंने दुर्गा माता की प्रे की। वो उनके सामने प्रकट हुई और कहा, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे राक्षस हैं और हमें एक राक्षस से वध करना है, तो क्या आप कर सकती हैं? तो फिर उसने हाँ कह दिया मुस्कुराते हुए। और फिर रक्त बीज और दुर्गा माता के बीच में युद्ध होने लगा। उन्होंने हाथ पे उनको मारा और उनका ब्लड धरती पे गिर गया और बहुत सारे रक्त बीज गिर गए। तो वो एक पे वार करती, दूसरा सामने आ जाता, एक पे वार करती, दूसरा सामने आ जाता। तो फिर उसने पूछा, अरे ये क्या हो रहा है, ये रक्त बीज मारा क्यों नहीं जा रहा? फिर उन्होंने गौरी मैया को बुलाया और उन्होंने एक काली माता का अवतार ले लिया। और फिर वो दुर्गा माता ने बताया कि तुम खप्पर में मैं रक्त बीज का खून पी लेना। तो फिर उन्होंने जब वार किया खून, फिर धरती पे गिरने लगा। बट उन्होंने धरती पे गिरने नहीं दिया, सीधा बॉल में रख दिया। तो फिर ऐसे सारे रक्त बीज मारे गए। फिर एक रियल रक्त बीज बता था चाह था जिसका जिसको मारना था। फिर उसने सर पे वार कर दिया दुर्गा माता ने। फिर उसको खप्पर में रख दिया। फिर क्या हुआ, हाँ कि ए उन्होंने कहा, ये मुंड मैं आपकी मुंड माला के लिए देती हूँ। फिर उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा। उन्होंने कहा, मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानों के मुंड चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे दानों के मुंड दो। फिर सब लोग जो भोले बाबा थे उनकी प्रे करने लगे। उन्होंने कहा, हे माँ देव एव आप काली माता का क्रोध शांत करिए, नहीं तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो सब लोग भोले बाबा की प्रे करने लगे और वो उनके सामने प्रकट हुए। और वो कहे कि ये पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो सब लोग उनकी प्रे करके तो महादेव काली माता के सामने चले गए। फिर उन्होंने क्रोध की अग्नि में भर रही थी। फिर वो शांत नहीं कर पाए और क्रोध में उन्होंने उनकी तरफ देखा नहीं, उन पे पैर लग गया और उनको अपने चरणों में पड़ा देख उनका की जीभ बाहर आ गई। फिर वो अपने वास्तविक रूप में आ गई, मतलब कि वो अपने रियल रूप में आ गई। फिर सब लोगों ने भोले बाबा और गौरी मैया पे फूल की बरसा की। खत्म कहानी।